ये है वीवो X90 स्मार्टफोन, तो आओ इसे अनबॉक्स करें। और इंडिया में ये स्मार्टफोन किस प्राइस रेंज में आएगा उसके बारे में वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो बॉक्स को ओपन करने पर सबसे पहले हमें स्मार्टफोन मिल जाता है, तो स्मार्टफोन को करते हैं साइड में और बॉक्स के अदर कंटेंट को चेकआउट करते हैं। जहां बॉक्स के सेकंड सेक्शन में 120 वॉट का एक एडाप्टर, USB-C to C डेटा के बाद एक सिम इंजेक्टर टूल और ज्ञान से भरे हुए कुछ पल्स चीजों को करते हैं साइड में और सीधे आते हैं स्मार्टफोन में। बैक साइड में हमें लेदर फिनिश देखने को मिल जाती है, जिससे आपकी जो ग्रिपिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। साथ ही बैक साइड में हमें ट्रिपल रियर कैमरा स्टेप देखने को मिल जाता है, जिसका प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, जो है सोनी का IMX866। 12 मेगापिक्सल के दो कैमरा सेंसर और देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही LED फ्लैश। और स्मार्टफोन के सेंटर में वीवो की ब्रांडिंग। और वीवो के एक्स सीरीज के स्मार्टफोन कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन होते हैं, इस वजह से यहाँ पे कैमरा की क्वालिटी होती है अपकोर्स हमें बेटर देखने को मिलती है। अगर बात करें फ्रंट साइड की, तो वहाँ पर हमें 6.78 इंच की कर्व OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहाँ पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और विद सेंटर पंच होल कटआउट, जिसमें लगा हुआ है 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए। पर स्मार्टफोन के टॉप में NFC सेकेंडरी माइक्रोफोन, वहीं पर स्मार्टफोन के बॉटम में सिम ट्रे सेकेंडरी माइक्रोफोन, USB टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन के साथ में पावर बटन, और लेफ्ट साइड बिल्कुल क्लीन है। बाकी यहाँ पर हमें LPDDR5 की रैम और UFS 4.0 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बाकी स्मार्टफोन को पावर देने के लिए इसमें लगा हुआ है MediaTek Dimensity 9200 चिपसेट, और इस चिपसेट का तो स्कोर 1 मिलियन से भी ऊपर है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये चिपसेट कितना ज्यादा पावरफुल है। और इस चिपसेट का आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। यहाँ पर आप हार्डकोर गेम को भी हाई स्पेक्स पर इजीली प्ले कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के, बिकॉज यहाँ पर आपको 4810mAh की बैटरी विद 120 वॉट फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में, जो महज कुछ मिनटों में आपका स्मार्टफोन फुल चार्ज कर देगा। बाकी स्मार्टफोन के कैमरे में आपको काफी सारे अलग अलग मोड देखने को मिल जाएंगे। और अब देखो इस स्मार्टफोन से क्लिक की गई कुछ इमेजेस को। और इंडिया में इसके बेस वेरिएंट यानी 8GB रैम 128GB वेरिएंट की प्राइस होगी अराउंड ₹42,315 अकॉर्डिंग द रिपोर्ट। बस वीडियो में इतना ही। अगर इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।